अयोध्या रेप कांड में आपके लड़के को दोषी पाया गया है, क्या कहना चाहती हैं आप? ये कहना चाहते हैं हमारा लड़का किसी रिश्तेदारी में किसी गांव में कभी कोई गलती ना कोई कर सके, और वहाँ जाए के हम कुछ ना जाने थे कि का किस का ना किस, हमसे आज तक की कोई बात नहीं बताई। हम महीना भर रुकर रहे वहाँ, आ जा रहे पूरे पैसा हमका दे रहे, तो हम कहा जाने का करते का नहीं करते, और कायदे चल रहे हैं 40 दिन का जमातिक पड़ता लाजी कल जमातिक दे रहे हैं ना रहे, और ठीक है फिर आए गए वहाँ काम ना चल रहे तो ना ही गए ना, 5-6 महीना बाद फिर गए फिर बुलाएंगे फिर वहाँ काम धंधा की हूँ, तो काम धंधा करती रहें भैया, और कायदे चल रहे हैं इनके बारे में हमका कोई पता ना है कि का किन का ना किन, हम गरीब आदमी हैं इनके सहारे रहें, तीन लड़के हमारे अलग हैं और चौथे नंबर की रहें उनके सहारे भैया रहें, उन्हें काम धंधा करती रहें, उनके अबू बहुत बीमार रहते उन्हें दवाई इलाज कराओ, तो उन्हें लड़कियन की है जो है पढ़ावर लिखावर रहें उन्हें फीस दे रहे हैं, और उनके सहारे भैया रहें उन्हें काम धंधा हमारा सब चलावर रहे, उनके बगैर हम बहुत परेशान हैं, अभी के अलावा हम का कह सकते हैं, और जब हम जाने ना कोई बात तो भैया हम का बताइए। क्या नाम है आपका? आयशा। कुछ कहना चाहती हैं आप? कहना चाहते हैं हमारे भैया जो हो सके भाई, जो उनका कोई गलती ना हो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनकी जमानत हो जाए, और हम भैया का बताइए हम तो कोई बात जाने ना है, कोई रिश्तेदारी ना कोई कही पाई से ना गांव कोई कही पाई, अति कायदे चलते रहा वहाँ के बारे में का बताइए का हुआ का ना कैसे फंसी गए।